डिफरेंस ऑफ सेट्स में अगर देखना है तो जैसे मान लीजिए दो सेट है ए और बी, तो ए माइनस बी क्या हो गया, डिफरेंस हो गया ऑफ सेट्स। इसका मतलब हो गया सेट ऑफ एलिमेंट्स विच बिलोंग टू ए बट नॉट बी। अगर इसको वेन डायग्राम से देखा जाए तो सेट ए हो गया और मान लीजिए कि कोई इंटरसेक्शन है ये, तो ये पूरा ये हो गया सेट ए, ये हो गया सेट बी। तो सेट ऑफ एलिमेंट्स विच बिलोंग टू ए बट नॉट बी इसको नहीं ले सकते क्योंकि ये बी से भी बिलोंग करता है। तो एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि सेट ए बराबर है 2, 3, 4 और सेट बी बराबर क्या है 4, 5। तो ए माइनस बी क्या हो गया, डिफरेंस ऑफ सेट्स क्या हो गया, सेट ऑफ एलिमेंट्स विच बिलोंग्स टू ए बट नॉट बी। तो इस केस में क्या हो गया, सेट ए में से जो दोनों में कॉमन है वो वाला हटा देना है। तो दोनों में कॉमन कौन सा है, 4 है, ठीक है। तो सेट ए में से 4 हटा देंगे तो क्या बच जाएगा, 2, 3, ये हो गया ए माइनस बी। तो इस तरह से हम वेन डायग्राम से भी इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो दो सेट का डिफरेंस ए माइनस बी या बी माइनस ए या दोनों बराबर नहीं है। जैसे ऊपर के केस में अगर वेन डायग्राम हमने रिप्रेजेंट किया है तो ये क्या हो गया, ए था ए था बी, तो ये कॉमन था। तो ए माइनस बी कौन सा पोर्शन हो गया, ए वाला पोर्शन हो गया सिर्फ, ये कॉमन वाला नहीं हुआ। अगर बी माइनस ए लेंगे तो ए था क्या, ए ये है बी, तो बी माइनस ए क्या कौन सा पोर्शन हो गया, ये वाला पोर्शन हो गया। तो ए माइनस बी इज नॉट इक्वल टू बी माइनस ए। अगर इसी एग्जांपल में हमको बी माइनस ए निकालना होगा तो क्या हो जाएगा, सेट ऑफ एलिमेंट्स विच बिलोंग्स टू बी लेकिन वो ए से बिलोंग नहीं करना चाहिए, तो बी में से क्या घटा देंगे, ए को घटा देंगे। कौन सा एलिमेंट हटाएंगे इसमें, 4 हटाएंगे क्योंकि 4 जैसे कि कॉमन है दोनों में। तो सेट ऑफ एलिमेंट्स विच बिलोंग्स टू बी बट नॉट ए, ए से कौन बिलोंग कर रहा था, 4। तो जब भी डिफरेंस निकालना हो तो लेफ्ट हैंड साइड में जो भी हो माइनस के लेफ्ट साइड में, माइनस के लेफ्ट साइड में क्या है बी, यहाँ पर माइनस के लेफ्ट साइड में क्या है ए, उसमें से उस सेट में से दोनों का इंटरसेक्शन जो होगा वो वाला माइनस कर देंगे, वो वाला हटा देंगे, तो आपका डिफरेंस निकाल देगा सेट्स का।